नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी। हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बनाइट प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो विकास हुआ है उसकी जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या है, मैं आपको देखता हूँ, काम तो आम आदमी पार्टी करती है लेकिन सभी दूसरा लेना चाहते हैं, लेकिन अब जनता पूरी जागरूक हो गई। मैंने पैदल यात्रा की है, उससे मुझे पता लगा कि केजरीवाल के प्रति लोगों में कितनी आस्था है। जब भी मैं गली से निकलता था लोगों के हाथ अपने आप ही उठ जाते थे। उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है दूसरे के चेहरे से अगर केजरीवाल साहब से कितने थे। हमारा एक ही आर्दत बीते पिछले 5 साल लगे रहो केजरीवाल, पब्लिक की आवाज़ थी लगे रहो केजरीवाल। और जैसे मोदी जी ने नारा लगाया था ना अच्छे दिन आएंगे, हमने कहा बीते पिछले 5 साल अच्छे उसी का हमारा ये है। हमारा एक सवाल और है, जैसे कि अभी बीते दिनों आपने देखा होगा, प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा कि माहौल जिस तरीके का देश के अंदर बदलने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर आप लोगों को क्या एक सुझाव देना चाहेंगे एनआरसी और कैट के ऊपर? ये बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और ये एनआरसी एक मुसलमानों के लिए नहीं है। ये आपको मैं उसकी वो सुना दी, अमित शाह की अगर ऑडियो मुझे आपको मीडिया में उसका सुना, उन्होंने ये कहा है जो भी अपना प्रूफ नहीं दिखा पाएगा वो इंडिया से बाहर होगा। क्या हम इंडिया में पैदा हुए? इंडिया 47 से पहले तो कोई पाकिस्तान में वो नहीं था, कभी तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जीते रहते थे। आज सिर्फ इस धारने से राजनीति जो कर रहे हैं एनआरसी सीएबी का सीएए का खाना लेकर सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान का झगड़ा खिलाना की कोशिश है और कुछ नहीं है। हम उसको चलने नहीं देंगे, हम टोटली खिलाफ। तो जैसे कि आज लोगों को आपने देखा होगा ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के अंदर बहुत से प्रदर्शन हिंसक भी हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हम लोगों को मैसेज देता हूँ कि कोई भी हिंसा नहीं फैला होगा, सब अपनी हम बात बिल्कुल उससे रखेंगे। हिंसा का तो नाम ही नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जिनको मैं कह देता हूँ दूसरी पार्टी होते हैं वो ही शुरू करते हैं और लोगों को किसी से वो करते हैं। वो चाहते हैं ये भड़काव होगा, लेकिन हम चाहते हैं ये भड़काव होगा नहीं। और मैं गांव के साथ कहता हूँ उनका विधानसभा में ऐसा फसाद बिल्कुल भी नहीं होने देंगे ना। तो आगामी चुनाव में आपका क्या नारा रहेगा? हमारा नारा ये रहेगा विकास का नारा, कोई ना धर्म पे ना जाति पे किसी पे नहीं रहेगा। दिल्ली का विकास कौन कर सकता है, वही दोबारा सीएम होना चाहिए, बस हमारा विकास का नारा रहेगा। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।